सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चोर समझकर पिटाई मामले में अर्जुन काले की हुई मौत को लेकर अभी यह पूरा मामला गर्माता दिखाई दे रहा है, जहां ओमी कालानी ने इस मामले में भरत गंगोत्री और उनके साथियों पर अर्जुन काले की हत्या करने के चलते पुलिस IPC के 302 के तहत गुनाह दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन को पत्र दिया है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो TOK के सदस्य आंदोलन करेंगे। दरअसल विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में उल्लासनगर कैंप 5 भाटिया चौक परिसर में 17 मई रात 11:30 बजे के दरमियान अर्जुन काले नामक व्यक्ति को चोर समझकर वहां के कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी, ऐसा अर्जुन काले के परिवार का कहना है। और इस पिटाई में अर्जुन काले गंभीर जख्मी हुए थे और उनको उपचार के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया, पर अर्जुन की हालत चिंताजनक बनी हुई थी, जिसके चलते उनको मुंबई के KM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां अर्जुन का उपचार शुरू था और उपचार के दौरान 20 मई की सुबह अर्जुन काले की मौत हो गई। कुछ दिन पहले जो दो युवकों को चोर बता करके मारा गया था भरत गंगोत्री और उसके लड़कों के द्वारा, उनमें से जो एक युवक मर चुका है, वो युवक के परिवार के लोग मेरे पास आए और उसके परिवार के लोग बार बार, जिसका नाम अर्जुन काले जिसे बाबा बोला जाता था, उसके परिवार के लोगों का ये कहना है कि वो लोग बार बार पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस ने 304 एक्सीडेंटल डेथ का FIR दाखिल किया है और 304 नई दाखिल करके उसके ऊपर 302 दाखिल होना चाहिए, क्योंकि ये मार के उसका मर्डर किया गया है, उसे मारा है तभी वो युवक मरा है और पुलिस को ये एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा जो भरत गंगोत्री द्वारा CCTV फुटेज जो डिस्ट्रॉय किया गया है, तो उस एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का एक्ट है 204 IPC, तो उसके परिवार के लोगों का ये डिमांड है कि वे 302 और सेक्शन 204 IPC के तहत दाखिल होना चाहिए। हम पूरा टीम ओमी कालानी उस युवक के परिवार वालों के साथ में रुकेंगे और अगर पुलिस का ये रवैया रहा कि भरत गंगोत्री है तभी FIR नहीं दाखिल होगा, तो TOK के सभी लोग रास्ते पे उतरेंगे और पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। भरत गंगोत्री भी NCP के पदाधिकारी हैं और आप भी NCP में हैं। आप दोनों के बीच अंदरूनी लड़ाई कहीं इसका फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है और भरत गंगोत्री को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, अंदरूनी लड़ाई की बात ही नहीं है, मैं NCP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं TOK की बात कर रहा हूँ। हम जो आंदोलन करेंगे वो TOK के लोग आंदोलन करेंगे और रहा सवाल उस युवक का, वो हमारे शहर का है ही नहीं, वो मारल गाँव का रहने वाला है। इस बार में अगर रोल नहीं है तो एविडेंस क्यों मिटाया गया, CCTV फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है पुलिस को? जिस वक्त उस युवक को मारा था चोर बताकर, उस वक्त क्यों मीडिया के सामने आके बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि भाई कि हम लोगों ने पकड़ा उस चोर को, हम लोगों ने मारा, तो अभी जब खुद ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम लोगों ने पकड़ा है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? और अगर उसके घर के बाहर हुआ है CCTV फुटेज वो क्यों नहीं दे रहे हैं पुलिस को? अगर वो एविडेंस मिटा रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? उसको मारपीट करने वाले बंदे मतलब हरियोमते कैसा जी, वो खुद भी था वहाँ पे साइट पे और जिन लड़कों ने मारा है वो भरत गंगोत्री के लड़के हैं। पुलिस एक्शन क्यों ले रही है? क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है और अगर वो प्रेशराइज कर सकता है तो हम भी प्रेशराइज करना जानते हैं। पुलिस को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय होएगा और हम शांत करके बैठेंगे। हम लोग
कलानी परिवार हमेशा गरीब लोगों के साथ में रहे हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। तो मोदी जी ने सीसीटीवी में मतलब आज सवेरे बाहर निकला कि वो आ रहे हैं सीसीटीवी के बाद में और उसमें कोई जमावड़ा दिख रहा है, उसमें से कोई मारपीट का मामला सामने आ रहा है, तो मारपीट का सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? 100% ये एविडेंस मिटाने की कोशिश की जा रही है और उसका सेक्शन 204 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो बंदा था वो स्टीसी का ऐसा उनका कहना है, उसके ऊपर बहुत सारे गंभीर सारे मामले दर्ज हैं। तो पुलिस किस काम के लिए बैठी है? अगर हिस्ट्री शीटर है उसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी किसी ने कुछ चोरी किया तो उसका मर्डर कर देने का, उसको पुलिस को दे देने का, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इस तरह से अगर मार के, ये तो समझो उस लड़के के परिवार वालों का ये बोलना है कि भाई उसने कोई भी चोरी नहीं की थी, चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ समझो अगर चोरी भी की होती थी तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले, दो चार झापड़ मारा उस हद तक ठीक है, पुलिस के हवाले दे देने का उसका ये मतलब नहीं है कि मर्डर कर दो किसी का। इस बारे में आप डीसीपी से मिलकर बात करोगे? 100% मैं या मेरे कमेटी के लोग जरूर जाएंगे मेरा निवेदन लेकर के। आज ही मैंने डीसीपी ऑफिस में मेरे लेटर हेड पे मैंने एक निवेदन दिया है और मैंने उनको बोला है कि अगर पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो टीओके के लोग आंदोलन पे उतरेंगे। माझं नाव मयुरी अर्जुन काळे, माझ्या नवऱ्याला मारून टाकलं, चोर चोर म्हणून त्याच्या मागं लागले, माझ्या नवऱ्याला गंगोत्रीच्या लोकांनी मारून टाकलं, आता मला कोण बघणार, मी प्रेग्नेंट आहे, माझ्या सासू सासऱ्यांना मला कोण सांभाळणार, आता माझा नवरा एकटाच घरात कमवत होता, आता माझं कसं होणार, आम्ही पोलीस कंप्लेंट करायला गेलो तर आमची कंप्लेंट पण घेत नाहीत, मला न्याय पाहिजे। आता आम्हाला एवढीच उमेद आहे, आम्हाला न्याय भेटला पाहिजे, फक्त माझ्या नवऱ्याला मारून टाकलं आणि अजून बोलतात की त्याचा ऍक्सिडेंट झाला, माझ्या नवऱ्याचा ऍक्सिडेंट झाला नव्हता, माझ्या नवऱ्याच्या अंगावर मारलेले निशान होते सगळे, कानामधून रक्त निघत होतं, कानामधून त्याच्या भेजा बाहेर आलं, त्याच्या डोक्यात मार लागला होता, तर डोक्यात मारलं माझ्या नवऱ्याला, पूर्ण पाठीवर चप्पलचे काठीचे निशान होते माझ्या नवऱ्याच्या, मारून टाकून अजून त्याच्यावर चोरीचा आरोप लावलाय, माझ्या नवऱ्याचेच पैसे चैन गायब करून टाकले, पैसे 22,000 कोण बघणार, आम्हाला न्याय पाहिजे। मेरा लड़के का वो दिन बर्थडे था, मेरा लड़का बोला मम्मी मैं, मेरा लड़के लोग बहुत रास्ता देख रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी केक भी काट के उनको मैं खिला के मैं आएगा, ऐसा बोल के मेरे को गया तो आगे जाके अभी कौन से लड़के लोग था बोलता है, गंगोत्री के लड़के लोग, उसको क्या कैसा क्या हुआ क्या मालूम, उनको पकड़ के मेरा लड़के को उधर ही बहुत मारा बोलता है, मार के मेरे लड़के को नीचे गिरा दिया, उठा के वो लोग ने ऐसा घास में डाल दिया बोलता है, उसको उठा के फिर पिटा के ऐसा उसको बाटल से पानी पिलाया, उसके ऊपर पानी डाला वो लोग ने, फिर उसको उठा के बाद में हम लोग जैसा ही गया रिक्शे में उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल में लाके टेबल पे फेंक दिया वो लोग ने, जाके हम लोग देखा तो सब आग भी सब ढक गया था, उसका खून भी निकल रहा था इधर से, इसका भेजा भी आ रहा था कान में से, हम लोग समझ गए बहुत मारा है इसको, उसको श्वास नहीं निकल रहा था, मैं इतना उधर ही रो रही थी, उधर एक पुलिस बैठा था फिर भी वो बोलता है वो नाटक कर रहा है, अभी बताओ तुम्हें अभी हम लोग क्या करने का, ऐसा बोल रहे पुलिस, मैं बोला उसको एक गोली पीली तो दे, बोलता ऐसा कोई नहीं देगा, वो नाटक कर रहा है, अभी हम लोग क्या करने का तुम बताओ, अभी हमको न्याय किधर मिलेगा, उनसे वही मांगेगी, हमको न्याय मांगता है, उनके पास जाएंगे भूमि कालानी के पास। ओमी कालानी और मृतक अर्जुन काले के परिजनों की मांग को लेकर अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।